नवाज भाई आप क्या कहेंगे, पहले आपने ये पौधे लगाए हैं, आप दोबारा उखाड़ रहे हैं, वो क्या कहानी होती है? नाक से वो फिर उखाड़ रहे हैं, उखाड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब दोस्त खैरियत से हैं, अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। सब वीडियोस की तरह आज की वीडियो का आगाज भी दुरूद शरीफ से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिही वसल्लम तस्लीमा। आज माशाल्लाह मौसम बड़ा प्यारा है, आज धूप वगैरह निकली हुई है, आज सूरज फुल जोबन पर है, तो इस वजह से परिंदे वगैरह भी काफ़ी हैप्पी हैं और जानवर वगैरह भी काफ़ी हैप्पी हैं, क्योंकि सर्दी दो तीन दिन काफ़ी पड़ी है, धुंध ख़त्म ही नहीं थी होती, इस वजह से सारा दिन जो बर्ड्स वगैरह वो तो पहले ही अंदर ही रहते हैं, लेकिन उनके जो शेड में धूप वगैरह जाती है उससे वो काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। तो आज माशाल्लाह जो है धूप निकली है, जिसकी वजह से हमने ये जो हैं इनके चकोरों वगैरह के चिक्स और ये मुर्गियों वगैरह के चिक्स छोड़े हैं बाहर, तो अब ये काफ़ी हैप्पी फील कर रहे हैं। पहले जो अंदर थे तो उस वक्त ये सर्दी की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब थे, अब काफ़ी मामला बेहतर है इनका। पहले इस तरह ना, जिस तरह सुकड़ के खड़े होते हैं इस तरह थे, अब कुछ बेहतर पहले से ना फील कर रहे हैं। इनमें एक थोड़ा सा ढीला है, ये तितरी का बच्चा, अल्लाह करे ये ठीक हो जाए। इसको वैसे मेडिसिन वगैरह तो दी है मैंने, बाकी सबको भी मेडिसिन डाली है, लेकिन कुछ बेहतर नहीं है ये, अल्लाह करे ये ठीक हो जाए। वैसे इसको आज रात ब्रूडर में ही रखूँगा, बाहर नहीं रखूँगा ओपन, इसको रात ब्रूडर में रखूँगा, ताकि अगर कोई इशू है तो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह करे ये ठीक हो जाए, एक्सपायर ना हो। उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से, उम्मीद अल्लाह ताला का खैर करेगा, ठीक हो जाएगा। तो ये गुरु साहब माशाल्लाह गुरु साहब घूम फिर रहे हैं, और इसकी बेगम लैला जो है वो लैला मेरे ख्याल इधर इधर आई हुई है। आज इनका जो जगह थे, ये रूम है इनका जो, उसके भी मैंने दरवाज़ा और ये विंडो वगैरह खोल दी थी, ताकि धूप वगैरह अंदर आ जाए, जिससे कमरा काफ़ी गर्म हो जाता, मामला अच्छा हो जाता। तो ये मेरे ख्याल मुर्गी बाहर आना चाह रही है, इसको बाहर निकाल देते हैं थोड़ी देर के लिए। आ जाओ आ जाओ, बाहर नहीं आना चाह रही, फिर बैठ गई है वो, इस वजह से खड़ी हो गई थी, उसने देखा था उसको लैला को कि शायद ये मुझे डिस्टर्ब ना करे, इस वजह से दोबारा वो बैठ गई है उस पर। तो अभी आप लोगों के साथ खुशखबरी शेयर करनी थी, वो मेन खुशखबरी आप सब के लिए है, मेरे लिए भी है। खुशखबरी ये है कि इंशाल्लाह जल्द जंग क्लब फार्म हाउस की तरफ से एक हम बर्ड स्टोर बनाने लगे हैं। जो बर्ड स्टोर है उसका फ़ायदा ये होगा कि अक्सर दोस्त ये गिला शिकवा करते हैं, दोस्त रब्ता भी करते हैं, गिला शिकवा करते हैं, आप अपने फार्म का विज़िट नहीं करवाते, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ख़ास तौर पे आप सब जानते हैं ब्रीडिंग सीजन में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बर्ड स्ट्रेस में चले जाता है। तो लेकिन उसके लिए हमने हल निकाल लिया, इंशाल्लाह अप्रैल मई तक हम सब लोगों के लिए अपना फार्म हाउस ओपन करेंगे। जो चीज़ हमने सेल वगैरह करनी होगी उसको हम इस जगह पर लेके आएंगे, यहाँ बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त किस्म का स्टोर बनाएंगे। ये देखें, यहाँ जगह काफ़ी ख़राब थी, अब इसको सेट कर रहे हैं, यहाँ पर मट्टी डाल दी है, जैसे मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि अगर जो है पहले यहाँ पर सारा गंद वगैरह था, तो ये जो खाला था दरमियान में, इसको हम बंद कर रहे हैं, यहाँ तक बंद कर दिया। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज 60 ट्रालियाँ मट्टी की और आएंगी, तो आगे डाल देंगे, जब आगे डालेंगे तो उससे ये है कि ये सारे का सारा बिल्कुल लेवल में चले जाएगा। तो इंशाल्लाह जब हम स्टोर बना लेंगे तो आपको अलाउ कर देंगे हर बंदे को कि हफ्ते में दो दिन रखेंगे, हर बंदा जो आना चाहे फार्म हाउस का विज़िट करना चाहे, कोई बर्ड्स परचेज करना चाहे, ऑर्डर करना चाहे, तो वो इंशाल्लाह उसको हम फुल मोहब्बत भी देंगे, और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में जाके एक जंग क्लब की एक फैमिली बनाएंगे, तो चीज़ें ऐसा ऐसा बेहतर होंगी। माशाल्लाह राजा साहब काफ़ी तेज़ हो रहे हैं दिन ब दिन, तो माशाल्लाह सेहत भी राजा की अच्छी हो रही है,
आउट क्लास हो रहा है माशाल्लाह। राजा वैसे ही हमें बड़ा प्यारा, सारे घर वालों को इसके सारा बड़ा ख्याल रखते हैं, इसको सारा दिन यहीं पे होता है। आज धूप निकली हुई है माशाल्लाह, ये भी खुश है। राजा राजा राजा, हाँ जी कुछ कहना चाहेंगे आप? राजा साहब, राजा साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? राजा कहता मैंने नहीं कुछ कहना। तो मौसम आज माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें यह होता है कि अगर रात को धुंध भी है ना, या सुबह को धुंध है, अगर दोपहर टाइम 10 11 12 बजे तक धूप अच्छी निकल जाती है 2-3 घंटे, इससे जानवर बर्ड वगैरह भी काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। और आजकल वैसे भी खुश्क सर्दी पड़ रही है, अल्लाह ताला बारान रहमत अता करे, गंदम वगैरह के लिए भी बहुत बेहतर है एक दफ़ा बारिश हो जाए तो, अल्लाह ताला बारान रहमत अता करे, क्योंकि जब एक दफ़ा बारिश हो जाएगी तो मामला काफ़ी बेहतर हो जाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो खुश्क सर्दी है वो ख़त्म हो जाएगी, और खुश्क सर्दी की वजह से बीमारियाँ वगैरह भी आती हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। इसी वजह से जो है हमने यहाँ टमाटर लगाए थे सर्दी की वजह से, वो भी धूप नहीं निकलती, सर्दी नहीं है, वो भी बड़े बड़े तो हो जाते हैं लेकिन अभी वो नहीं हो रहे, रेड नहीं हो रहे। ये देखें माशाल्लाह, इसको काफ़ी टमाटर लगे हुए हैं, अगर यहाँ से दिखाऊं, ये देखें माशाल्लाह, लेकिन ये अभी इस तरह ग्रीन ही रहते हैं, ये यहाँ भी लगे हुए हैं, ये ग्रीन ही रहते हैं, अभी वो नहीं हो रहे, रेड नहीं हो रहे, सिर्फ इस वजह से कि धूप नहीं निकलती, अगर धूप निकलेगी तो फिर ही ये रेड होंगे। बाकी घास आजकल थोड़ा सा डल होता जा रहा, क्योंकि ये भी शायद धूप की वजह से ही ऐसा हो रहा। अब मेरा इरादा है इसको DAP वगैरह दूँ, एक दफ़ा DAP वगैरह दे के, यूरिया और DAP मिक्स करके देंगे ना, ऊपर से पानी लगाएंगे तो ये फिट हो जाएगा। ये देखें ये डल होता जा रहा, ये डल होना नहीं चाहिए। और ये सोलर का स्टैंड बनने के लिए रखा हुआ, ये देखें, और 3 दिन हो गए हमारे जो वेल्डर साहब हैं वो जलील कर रहे हैं हमें, ना बना रहे हैं ना कोई काम कर रहे हैं, इसी तरह ही पड़ा, प्लेटें अंदर आई पड़ी हैं। 5 KV सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले हम तकरीबन 1 KV ऐड कर रहे थे कि थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, लेकिन वेल्डर साहब इतना जलील कर रहे हैं, वो आ ही नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। आजकल पौधों की जो बढ़ोतरी होती है वो रुक जाती है, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से पौधों की बढ़ोतरी वगैरह कम्प्लीटली रुक जाती है। अभी ये गुलाब का पौधा, खैर ये तो नई टहनियाँ निकाल रहा, इन दिनों में अमरूद काफ़ी अच्छा हो रहा है, पहले ये अमरूद की ग्रोथ नहीं हो रही थी लेकिन अब इनकी ग्रोथ हो रही है। ये गुलाब का पौधा ये देखें, ये अमरूद की ग्रोथ आ रही है। ये मोरिंगा है, मोरिंगा बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा है, इस वजह से हमने 2-3 पौधे मोरिंगे के लगाए हुए हैं। ये चीकू है, ये चीकू का छोटा सा फल लगा हुआ है, उम्मीद है कि जब सीज़न सही हो जाएगा, मौसम अच्छा होगा तो सीज़न पे ये चीकू भी लगेंगे हमारे पास। नहीं जी, फाइनली एक ट्राली पहुंच गई है माशाल्लाह, तकरीबन 6 से 7 ट्रालियाँ यहाँ होंगी पूरी, 6 से 7 ट्रालियाँ जब पूरी हो गई तो उससे इंशाल्लाह ये हमारा जो है ये वाला सारा क्लियर हो जाएगा। ये सारी सफाई हो जाएगी, उसके बाद ये जो फ्रंट है इसका सारा ये खूबसूरत लगेगा, फिर वहाँ बैक साइड पे खूबसूरत से करके एक स्टोर बनाएंगे जिसमें बर्ड्स की ऑल वैरायटी हमारे पास होगी, हर तरह के बर्ड्स, केजीज, मेडिसन वगैरह सारा कुछ आएगा। अब ये देखें, यहाँ से थोड़ा सा मामला ख़राब था, अब ये इंशाल्लाह जैसे जैसे ये कवर होगा उससे बाद में यहाँ पर ग्रीन घास जब लग जाएगा तो इंशाल्लाह ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा, काफ़ी खूबसूरत लगने लग जाएगा उससे। मतलब दूसरे ट्रैक्टर का की किया, दूसरे ट्रैक्टर का अच्छा
यार नवाज भाई जेडे ओ वाले बूटे आ जेडे आपा लाए इन्हां नूं अगर उखाड़ लईए ते दुबारा हो नहीं जाणगे हैं। हाँ इन्हां नूं छोटे छोटे छापर मंगा के ना विच पट के ते विच पा ला इन्हां नूं, नहीं तां इह सारे पूरे जाणे आ, इंची इंची दा बूटा सारा। जो लेवल हो जाएगा ना मैं तां ही हाले नहीं लवाए हाले, पानी पूनी मार देंगे ना जो बराबर हो जाएगा फिर लग जाएगा सही लगेगा। मैं क्या थोड़ी मंड के भरवाई जाओ थोड़ा टन के हैं, मिट्टी थोड़ी घट लग रही है अजकी मेनू, शायद डेयरी लगी हुई इस वजह तो मतलब कि घट लग रही है। नवाज भैया जामन का बूटा भी पट के ना स्टोर कर लवो ताकि जो आप दोबारा मतलब के हो जाएगी ना भर्ती हो जाएगी फिर अच्छा करके लग जाएगा। इतने वैसे भी गलती की थी, पौधे एक साइड से रख लेंदे रख के ते मतलब उन्होंने इदा सेव कर ला, इन्हों कोई छापर नहीं है छोटे छोटे, इन्हों कल करांगे ना लेवल लेवल करके ते फिर ये दोबारा लग जाएंगे फिट हो गए। चलो देख ला जिदा बेहतर लगता उदा कर ला, माशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2 से 4 दिन में ये जो बैक साइड पे इशू था ये रोड का ये भी क्लियर हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। फिर यहाँ से पानी की निकासी लेके आएंगे थोड़ी सी, यहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा पक्का कर देंगे ताकि हमारी सब्जियाँ वगैरह और घास वगैरह का जो उधर पानी लगता है वो इससे क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। नवाज भाई आप क्या कहेंगे, पहले आपने ये पौधे लगाए हैं आप दोबारा उखाड़ रहे हैं, वो क्या कहानी होती है? नाक से वो फिर उखाड़ रहे हैं, जिस नाक से लगाए थे उसी नाक से वापसी उठाना पड़ रहे हैं। नवाज भाई ने ना पहले यहाँ से मिट्टी उठा के उधर फेंकी थी थोड़ी सी सेटिंग के लिए, तो बाद में वहाँ गुलाब के पौधे लगाए तो वहाँ क्यारी बनाई, तो कल बाबा को कहते हैं कि उसी नाक से हम दोबारा वही मिट्टी वापसी उठा रहे हैं। अभी कह रहे हैं कल परसों ये लगाए थे और अभी उसी नाक से वापसी उठाना चाह रहे हैं। उबैदुल्ला क्या कर रहे हो बैजान, वे क्या कर रहे हो? नवाज भाई की सांस, वाह नवाज भाई वाह, नवाज भाई तो मेरा ही नक कड्डू है। वाह नवाज भाई वाह, आप ग्रेट हो, गो नवाज गो। इन्हों परे मोटरसाइकिल दे कॉल कर लो, मोड़ कट्टो एक मिनट, इथो ट्राली मोड़ दिए तो जी निकल गया। टोटल 3 ट्रालियां हो गई हैं, तो उससे ये उम्मीद है कि मुझे यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, बाकी 3 ट्रालियां उधर फेंकवा लेंगे उस साइड पे और 2 ट्रालियां उधर वो जो नेक्स्ट वाली जगह है जहाँ पे अभी सेटिंग वगैरह होने वाली है, घास वगैरह उधर भी लगाना है जहाँ पे इस टाइम चकोरे वगैरह हैं और मुर्गियाँ वगैरह उस साइड पे लगाना है, तो 2 ट्रालियाँ वहाँ उधर उस तरफ फेंकवा लेंगे ताकि बाद में उसको लेवल कर लेंगे। इससे ये है कि अब इंशाल्लाह ये जो इधर हमारा कचरे वगैरह का मामला था और ये मसले मसाइल थे ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, ये इस तरह खूबसूरत किस्म का ग्रीन बेल्ट बन जाएगा, साथ में VIP रोड बनेगा तो फिर व्यू ज़्यादा अच्छा हो जाएगा फार्म का। अभी राजा माशाल्लाह जो है शाम का टाइम हो गया, राजा साहब आज माशाल्लाह फुल खा पी रहे हैं, राजा साहब से पूछते हैं कि राजा साहब अगर तुम रज गए हो तो तुम बंद ही अंदर। हाँ जी राजा साहब रज गए हो कि नहीं हाले? माशाल्लाह
मेरा ख्याल है अब तो इसका पेट फुल हो गया, लेकिन अभी टाइम है, अभी सूरज जो है वो बिल्कुल गायब नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर खा रहा खाता रहेगा। अब राजे का हमें ये बहुत फ़ायदा हो गया कि जहाँ पे ज़्यादा बूटियाँ वगैरह हैं, गंदी बूटियाँ ये जो होती हैं जो घास को ख़राब करती हैं, जहाँ पे भी होती हैं हम राजे को वहीं बांध देते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, दिन ब दिन फार्म ग्रूमिंग की तरफ जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गया। देखें अल्लाह ताला की ज़ात करने वाली है, इंसान कुछ नहीं करता, अल्लाह सुबहान तआला से होता है, अल्लाह की ज़ात करती है, अल्लाह के हुक्म से होता है। इंसान बेबस है, इंसान लाचार है, अगर इंसान चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि इंसान तो एक तिनका भी नहीं उठा सकता। ये सब अल्लाह का करम है जो हिम्मत दे रहा है और कर रहा सारा कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह जितना शुक्र अदा करूँ कम है। माशाल्लाह दिन ब दिन जो फार्म है वो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, ग्रूमिंग की तरफ जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला के घर से बड़ी उम्मीद है कि जो नेक्स्ट मार्च आने वाला है उस वक्त तक हमारे, जब ये पौधे वगैरह हो जाएंगे सारे जो लगाए हैं इर्द गिर्द, और ये घास में भी जो अभी गैप है ये गैप भी ख़त्म हो जाएगा, बाकी चीज़ें ये भी फ्रंट साफ़ सुथरा हो जाएगा, तो फार्म का व्यू बहुत ही खूबसूरत निकल आएगा इंशाल्लाह। आप भी दुआ करें कि अल्लाह करे हम इस मकसद में कामयाब हो जाएं, हिम्मत दे हमें अल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह ताला की ज़ात ही करने वाली है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, इंसान लाचार है, बेबस है, उसकी ज़ात के आगे इंसान कुछ भी नहीं है। मेरा एक तितरी का बच्चा थोड़ा सा ढीला है, मुझे उसकी बड़ी टेंशन है, क्योंकि बड़े नाज़ों से पाले हैं, छोटे छोटे थे तो उस वक्त से बड़ी केयर की है, वो आज थोड़ा सा ढीला है, मैंने उसको ICU में रखा हुआ है, देखते हैं उसकी कंडीशन क्या है, उसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। हाँ जी बेटा कई गल है, सेम उत्थे थोड़ा जहा हो गया होना, इटा शिटा सारी गल उसे ट्राली चाड़ती होना है, वो चेक कर लेते हैं उसको ICU में कि उसकी कंडीशन क्या, ब्रूडर में उसको मैंने रखा जहाँ पे बाकी बच्चे वगैरह हैंड फीडिंग वाले, अल्लाह करे अल्लाह ताला उसे सेहत दे बच जाए, मुझे उसकी बड़ी टेंशन है। एक बच्चा दरअसल दो तीन दिन काफ़ी सर्दी पड़ी है ना, जिसकी वजह से मामला ख़राब हुआ, अभी उसको देखते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है, बेहतर है ना। अभी आज रात मैं नहीं मतलब उसको ना निकालूंगा नहीं, वो इनको चार ट्रालियाँ इस साइड पे आ गई हैं और ये पांचवी ट्राली है जो वो इस साइड पे लोड कर रहा सॉरी, और जो पांचवी मतलब के ट्राली है वो यहाँ पे उतार रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इतने में ये हमारी पूरी हो जाएगी यहाँ पे भर्ती, ये जो है खाला वगैरह ये बंद हो जाएगा, बाकी जो है वो दूसरी साइड पर फेंकवाएँगे जहाँ पर चाइना डब और फिंचज वगैरह का हम शेड लगा रहे हैं वहाँ पर फेंकवाएँगे इंशाल्लाह, तो उससे ये हो जाएगा कि हमने जो शेड बनाना है उसके अंदर जो मिट्टी जानी है वो उससे पूरी हो जाएगी। इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं ख़त्म, अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।